सिद्धेश्वर रिद्धेश्वर महादेव तक बम बोले बम के जयकारे लगाती हुई महिलाओं ने कांवड़ यात्रा निकाली। सुख शांति भाईचारा और समृद्धि की भावना बनी रहे। महिलाएं एक दूसरे की सेवा में लगी रहे और नर्मदा तट पर धार्मिक आयोजन लगातार होते रहे। मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इन्हीं मूल मंत्र को लेकर मातृ शक्तियों के साथ दुर्गा वाहिनी की प्रदेश संयोजिका प्रियंका दुबे की अगुवाई में महिलाओं ने सावन मास में प्रथम बार नेवावर के नर्मदा तट से कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन नृत्य व बम भोले बम के नारे बुलंद करते हुए नेवावर के नर्मदा तट से माँ नर्मदा का जल कांवड़ में भरकर सिद्धनाथ महादेव के दर्शन कर नर्मदा के उस पार हंडिया स्थित रिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। यहां जल से रिद्धेश्वर भगवान का जलाभिषेक किया और जल चढ़ाया। तत्पश्चात हंडिया से नर्मदा का जल कांवड़ में भरकर वापस नेमावर पहुंची। यहां सिद्धेश्वर महादेव को नर्मदा का जल चढ़ाकर जलाभिषेक किया गया। यह क्रम लगातार जारी रहा। नेवावर के नर्मदा तट पर पहली बार इस प्रकार की महिला कांवड़ यात्रियों की निकाली गई, जिसमें निधि इंदु रेखा दीदी सहित सैकड़ों महिलाएं शामिल थी। से हम लोग ने जो नेमावर से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से हम लोगों ने कांवड़ को उठा करके इस कांवड़ को हमने रिद्धनाथ महादेव मंदिर हंडिया में चढ़ाया है और वहाँ से जल लेकर के सिद्धनाथ महादेव मंदिर नेमावर में अर्पित किया है। इस कांवड़ यात्रा का जो मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः की मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए समरसता का प्रवाह करने के लिए इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया था। ये सतत चलने वाला प्रयास है। आज इसकी प्रथम हम लोग ने आहुति दी है। ये यज्ञ सदैव चलता रहेगा। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।